कहते हैं जब ग्राह विमान पर बैठ के जाने लगा तो गजेंद्र नाराज हो गया। उसने कहा, प्रभु ये तो अन्याय है। कहा, क्या अन्याय? कहा, पुकारा हमने आपको, आपके चरण हमने पकड़ा और हमारे सामने हमारा शत्रु विमान पर बैठ के जा रहा है, ये कौन सा न्याय कर रहे हो? भगवान मुस्कुराए, कहा, गजेंद्र तुम्हारे लिए भी विमान आएगा लेकिन तुमसे पहले ये जाएगा। कहा, क्यों? इसलिए किया क्या? कहा, तुम तो हमारे चरण पकड़े थे लेकिन यह तुम्हारा चरण पकड़े हुए था, राम से अधिक राम करदासा। तो ग्राह का भी उद्धार किया और गजेंद्र को भी उसका पद मिला। ये श्राप बस दोनों कहते हैं हुहू नामक एक गंधर्व है, उसको देवल ऋषि ने श्राप दिया था। कहते हैं देवल ऋषि किसी नदी में स्नान करने के लिए गए तो ये हुहू गंधर्व डुबकी लगा के वहां पहुंचाओ, देवल ऋषि का पांव पकड़ के खींचने लगा। तो ऋषि देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू ग्राह के जैसा व्यवहार कर रहा है, जा ग्राह हो जा। तो ये ग्राह बन गया। और जो गजेंद्र था ये द्रविण देश का राजा था, द्रविण प्रदेश में पांडव का राजा था। घर परिवार सब कुछ छोड़ करके पर्वत के ऊपर चला गया और निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा, तप करने लगा। एक बार अगस्त ऋषि उधर से निकले तो ये भगवान विष्णु के ध्यान में खोजा हुआ था, उठ के प्रणाम नहीं किया। कहा, अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे तू एक गृहस्थ है, राजा है, अपने कर्तव्य का पालन ना करके और यहां आकर के तप कर रहा है और हाथी के जैसा अहंकारी बन करके बैठा है, जा हाथी हो जा, मतलब गज हो जा। श्राप दे दिया तो श्राप बस वो गज हो गया, हाथी हो गया। इस कथा से एक बात समझ में आती है, सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। अभी आपने सुना कि अगस्त ऋषि ने क्या कहा कि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, राजा है, तू प्रजा का रंजन छोड़ करके परिवार का पालन छोड़ करके यहां तप करने आया है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में दो मार्ग बताया, कहा यद विरहे तत्र वर्जित, जब वैराग्य हो जाए, उच्च कोटि का वैराग्य, उसी क्षण घर छोड़ करके चला जाना चाहिए, भगवान की शरण में चला जाना चाहिए। और दूसरा कहा, ब्रह्मचारी भूत्वा गृही भवेत, गृही भूत्वा बनी भवेत, अब बनी भूत्वा प्रवर्जित। पहले 25 वर्ष की आयु तक अध्ययन करे, फिर 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ में रह करके धर्म पूर्वक धन कमाए, माता पिता की सेवा करे, पितरों का श्राद्ध तर्पण करे, यज्ञ यज्ञ आदि करे, इस तरह से 50 वर्ष की आयु तक जो है धर्म पूर्वक धन कमाए और धन का सदुपयोग करे, परिवार का पालन करे। और जब 50 वर्ष की आयु हो जाए तो पत्नी के सहित भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पत्नी के सहित भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, भगवान का नाम जप करे। और अगर पुत्र पूछे कि ये कार्य कैसे करे पिताजी तो बता दे, और ना पूछे तो ज्यादा उनके पीछे टेन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी मस्ती में बस। ये शास्त्र का वचन है, पूछे तो बताना चाहिए, सलाह देना चाहिए, और अगर ना पूछे तो टेन ना लगाए, अपनी मस्ती में बस भजन करे और जो वो पुत्र दे दे खा के बस भजन करे।
अब 75 वर्ष की आयु जब हो जाए तो उसके बाद संन्यास अर्थात फिर न सलाह देना है न कुछ कहना है, बस केवल हम भगवान के हैं बस ये मन में ठान करके सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बस एक ही बात कि हम भगवान के हैं, ना किसी को सलाह देना है, ना किसी समाज से संबंध रखना है, किसी से भी संबंध ना रख करके जो मिले खाने बस भगवान में रमण करे। 75 के बाद फिर नहीं संसार से रमण करना चाहिए, यह हमारे यहाँ की शास्त्र विधि है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, परमार्थ चाहते हैं तो मार्ग यही है। हाँ, अब यहाँ राजा परीक्षित जी कहते हैं, यथा भगवता ब्रह्मन् मथिता क्षीर सागर यदर्थम वायतश्चाग्रिम दधाराम्बुचरात्मना। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर हमने सुना है कि समुद्र का मंथन हुआ था, उसे अमृत निकला था, तो मंथन हुआ कैसे और क्या क्या उसमें से निकला, किसने मंथन किया और उसका संबंध यदि भगवान से है तो आप जरा विस्तार से बताइए इस कथा को। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदा दुर्वाससा सापात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकांश्चा भवस्तत्र नेसुरिद्या दया त्रियाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि क्षीर सागर पहुंच गए, वहां जाकर के देखा तो भगवान नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी चरणों में बैठ करके धीरे से चरण सेवा कर रही थी। भगवान नारायण के गले में दिव्य ब्रह्म कमल की माला पड़ी हुई थी। उस कमल का सुंदर पराग ग्रहण करने के लिए दिव्य भ्रमर वहां पर पराग ग्रहण करके उन्मत्त हो रहे थे। जब दुर्वासा ऋषि वहां पहुंचे तो देख करके पहले तो भगवान नारायण का दर्शन किया, फिर उनकी दृष्टि माला पे पड़ी और भ्रमरों पर पड़ी तो मन ही मन सोचने लगे कि भला इन भ्रमरों ने क्या तप किया होगा, कौन सी उपासना किया होगा कि आज भगवान के गले में पड़ी हुई माला के पराग का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे मन में सोचने लगे, भगवान तो अंतर्यामी हैं। दुर्वासा के मन की बात जान लिया। जब दुर्वासा वहां से दर्शन करने के बाद जाने लगे तो भगवान ने अपने गले की माला उतारी और दुर्वासा को दे दिया प्रसाद में। प्रसाद मिलते ही जैसे गले की माला हाथ में आई, आते ही दुर्वासा मानो समाधिस्थ हो गए हो, आनंद में खो गए। उन्हें लगा कि जन्म जन्मांतर के तप का फल आज हमको मिल गया, आनंद विभोर हो गए और उसी आनंद में उसी मस्ती में वहां से वह पृथ्वी के लिए चल पड़े। चले तो वह पृथ्वी लोक के लिए, लेकिन इतने आनंद विभोर थे कि रास्ता भूल गए और पहुंच गए स्वर्ग। स्वर्ग में जब वह नंदन वन पहुंचे तो देखा इंद्र इंद्राणी के सहित ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ घूम रहा था। इंद्र को देखते दुर्वासा को होश आया कि अरे हम तो स्वर्ग आ गए, नंदन वन पहुंच गए। दुर्वासा के मन में आया ये माला भगवान नारायण के गले की माला है,
इसकी यह विशेषता है कि जो इसको धारण कर लेगा कभी पराजित नहीं होगा, सर्व पूज्य हो जाएगा। दुर्वासा जी ने सोचा ये माला हम लेकर के क्या करेंगे, हम तो ऋषि हैं, आए दिन इंद्र असुरों से पराजित होता रहता है, दुखी होता है, इसी को देने तो ये सदा के लिए सुखी हो जाएगा। ऐसा सोच करके प्रसाद रूप से इंद्र को माला दे दिया। इंद्र माला तो ले लिया लेकिन उसका महत्व नहीं समझा और उसने इंद्राणी को दे दिया, और इंद्राणी ने भी माला का महत्व ना समझ करके हाथी के मस्तक पर डाल दिया। अब जब इंद्र इंद्राणी महत्व नहीं समझे तो हाथी क्या समझता, उसने सूंड से माला उतारी और पृथ्वी पर पटक दिया। अच्छा, माला दे के दुर्वासा जी चल दिए वहां से, उसने पृथ्वी पर पटक ही नहीं पैर से कुचल भी दिया माला को हाथी ने। इधर दुर्वासा पीछे लौट करके देखा तो हाथी माला को कुचल रहा था। अब तो दुर्वासा को क्रोध आ गया, कहा अरे तुम मदांध हो गया, भगवान नारायण के गले की माला को पैर से कुचलवा दिया, जा शीघ्र स्त्री हीन हो जाएगा, ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाएगा। अब इंद्र को होश आया। देखो एक बात कहें, आप लोग मंदिर जाते हैं, यहां तो भीड़ नहीं लगती मंदिरों में, वृंदावन काशी तरफ जाते हैं तो काफी लंबी लाइन लगती है प्रसाद लेने के लिए, लगती है कि नहीं लगती? काफी लंबी लाइन में आप लगते हैं, बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की में पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद पुजारी क्या देता है, 3 चम्मच पानी डाल देता है हाथ में और थोड़ी सी मिश्री दे देता है, इतना ही देता है ना, या लड्डू वड्डू जो कुछ रहता है थोड़ा सा दे देता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या उतने मिश्री के लिए या लड्डू के लिए आप भूखे हैं क्या, क्या उतना खरीद नहीं सकते क्या? खरीद सकते हैं ना, तो फिर लाइन में क्यों लगते? केवल इसलिए लगते हैं कि यह मिश्री नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। प्रसाद का मतलब प्रसीदा प्रसादा, भगवान की कृपा ही जो है, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद है, केवल इसलिए आप लाइन में लगते हैं, केवल इसलिए हाथ फैलाते हैं कि एक तो यह भगवान का प्रसाद है और दूसरा जो भगवान के कृपा पात्र पुजारी हैं उनके हाथों से ये मिल रहा है, इसलिए आप लाइन में लगते हैं धक्का खाते। वो वास्तव में मिश्री नहीं होता, वो लड्डू नहीं होता, वो क्या होता है, वो साक्षात भगवान की कृपा होती है, भगवान की प्रसन्नता होती है, इसलिए आप इतनी लंबी लाइन में लगते हैं। ये बात लेकिन इंद्र नहीं समझा और उसने ऋषि के हाथ की माला को अनादर कर दिया। दुर्वासा ऋषि श्राप दे करके चले गए। इधर राजा बलि को पता चल गया कि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया, उसने असुरों की सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई किया, इंद्र ने युद्ध तो किया लेकिन पराजित हो गए, ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गए। अब दर दर भटकने लगे, कंदराओं में छुप कर देवता रहने लगे, कब तक रहते, अंत में भगवान नारायण के पास गए और नारायण से कहा प्रभु कोई उपाय करो, राजा बलि से हमारा राज्य वापस दिला दो। भगवान नारायण ने कहा अब एक उपाय है। कहा क्या? कहा तुम राजा बलि से संधि कर लो, मित्रता करो, मित्रता करके समुद्र का मंथन करो, उससे जब अमृत निकलेगा और अमृत तुम पान कर लोगे, इस अमृत का प्रभाव ये होता है कभी बुढ़ापा जरावस्था नहीं आती, कभी मृत्यु नहीं होती, तो कहा तुम बलवान हो जाओगे और असुरों को पराजित कर दोगे।
इंद्र राजा बलि के पास गया, असुर लोग पकड़ने दौड़े तो बलि ने कहा नहीं नहीं यह हमारी शरण में आ रहा है, शरण में आए को कभी कष्ट नहीं दिया जाता, आने दो। इंद्र गया, राजा बलि ने अपने पास में बगल में बैठा लिया, सिंहासन पर पूछा कैसे आए, कहा हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, कहा हो गई मित्रता अब बोलो, कहा समुद्र का मंथन करेंगे और उसमें से जो भी सामग्री निकलेगी हम सब आधा आधा बांट लेंगे। राजा बलि तैयार हो गया, देवता असुर दोनों मिलकर के समुद्र मंथन के लिए गए। कहते हैं वहां जाकर के पहले तो मंदराचल पर्वत के पास गए और देवता असुर दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, लेकिन उठाने की कौन कहे हिला भी नहीं पाए। भगवान को पुकारे तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर के वहां पहुंचे, बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठा लिया, जैसे छोटा बालक मानो कोई गेंद उठा रहा हो, कंदुक उठा रहा हो, और उठा करके गरुड़ पर लेके बैठ गए, ले गए क्षीर सागर में रखा। देवता लोग वासुकी नाग के पास गए, कहा तुमको भी हम अमृत देंगे, तुम रस्सी बन जाओ। बाग तैयार हो गए, रस्सी बने, अब देवता कहने लगे कि हम मुख की तरफ लगेंगे, असुरों से कहा तुम पूछ की तरफ लगो। असुरों ने कहा हमारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है, हम वीर हैं और तुम सब कायर हो, इसलिए तुम पूछ की तरफ लगोगे और हम मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने इंद्र को समझाया विवाद मत करो, इनको मुख की तरफ लगने दो। इंद्र मान गया, अब असुर सारे मुख की तरफ और देवता पूंछ की तरफ लगे, मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। सब घबरा गए अब क्या होगा, तो उस समय भगवान कच्छप का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो कच्छप भगवान की। इस लीला में भगवान ने चार अवतार धारण किया, चार अवतार एक साथ, तो कच्छप रूप से भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के मंदराचल पर्वत के नीचे अपना पीठ लगा लिया और अब फिर से मंथन शुरू हुआ, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। कहते हैं जब कुछ नहीं निकला तब जो है भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के दाहिने हाथ से पूंछ और बाएं हाथ से मुख को पकड़ा और स्वयं मथानी चलाने लगे। जब भगवान नारायण ने मथानी चलाई तब उसमें से सबके पहले विष निकला, हलाहल विष। देख के सब घबरा गए अब क्या होगा, एक तो क्षण मात्र में पिलाइड कर देगा। जब घबरा गए, घबरा के सारे देवता नारायण को आगे करके भगवान शिव के पास गए, कहा प्रभु आप ही इस हलाहल विष से रक्षा कर सकते। भगवान ने कहा क्या करें, तो नारायण ने कहा पान कर लो इसको। भगवान नारायण के कहने पर भगवान शिव ने उस भयंकर विष का पान कर लिया। वहीं पर पार्वती जी भी बैठी थी, पार्वती कह रही थी मत पियो मत पियो, भगवान नारायण कह रहे थे पी लो पी लो। तो भगवान नारायण के कहने पर भगवान शिव ने पी तो लिया, लेकिन पार्वती की भी बात को मान लिया, अब विष को अंदर नहीं जाने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। एक महात्मा थे विनोदी स्वभाव के, वो कहते थे कि भगवान शिव के हृदय में नारायण बसते। उन्होंने सोचा कि अगर ये विष हृदय तक पहुंच गया तो हमारे प्रभु नारायण को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने गले से नीचे जाने ही नहीं दिया, विष को गले में ही धारण कर लिया कि ताकि नारायण को कष्ट ना हो। और भगवान शिव का गला नीला पड़ गया तो उनका एक नाम नीलकंठ भगवान हो गया। फिर से मथानी चलाई गई तो हबीरधानी निकली, हबीरधानी माने कामधेनु गाय निकली। उसे ऋषियों ने ले लिया, कहा कि इसके घी से
हम हवन करेंगे, दूध दही घी का उपयोग करेंगे, तो ऋषियों ने ले लिया। फिर मंथन हुआ तो उच्चैःस्रवा घोड़ा निकला, उसे राजा बलि ने ले लिया। फिर मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला, उसे इंद्र ने लिया। पुनः कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि स्वयं ही भगवान के गले में चली गई। जैसे ये माला है ना, इसमें छिद्र होता है, लेकिन कौस्तुभ मणि में छिद्र नहीं होता। बिना छिद्र के वो भगवान के गले में धारण रहती, ये उसकी विशेषता है। उसके बाद पारिजात का वृक्ष निकला, वो स्वर्ग चला गया। अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग चली गई। उसके बाद भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी को देखकर देवता असुर सब कहने लगे, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। तो अंत में ये निर्णय हुआ कि लक्ष्मी पर छोड़ दो, ये जिसको चाहे वरण कर ले। देवता और असुर सब एक तरफ खड़े हो गए कि लक्ष्मी हमारी तरफ आएंगी, लेकिन लक्ष्मी किसी को निहारा भी नहीं। और भगवान नारायण जो एक किनारे बैठे थे, गई और नारायण के गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मी भगवान नारायण की नित्य शक्ति, क्या है? नित्य शक्ति। इसलिए उन्होंने गले में जयमाल डाल दिया। फिर से भगवान नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया। उसके बाद यहाँ मंथन फिर चला तो बारूणी निकली। बारूणी माने मदिरा। ये मदिरा निकली तो असुरों ने कहा, ये मुझे मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है तुम ले लो। असुरों ने मदिरा ले लिया। और फिर मंथन हुआ तो उसमें से धन्वंतरी जी निकले। ये भी भगवान के अवतार हैं। धन्वंतरी भी भगवान के अवतार हैं, प्रकट हुए। अपने हाथ में सुंदर अमृत का कलश लिए हुए थे। इनको देखते ही देवता भी दौड़ पड़े, असुर भी दौड़ पड़े। लेकिन देवता से असुर बलवान थे, इसलिए असुरों ने अमृत का कलश छीन लिया। जब असुरों के हाथ में अमृत चला गया तो घबरा गए देवता कि बिना अमृत पिए तो ये इतने बलवान आए दिन हमारे स्वर्ग पर ये अधिकार कर लेते हैं, हमको मार के भगा देते हैं। यदि ये अमृत पी लेंगे फिर क्या होगा? अब उनके पास कोई उपाय नहीं रह गया। तो फिर से भगवान नारायण को पुकारा, प्रभु हम आपकी शरण में। तब भगवान, अच्छा एक विशेषता देखिए कि असुर अमृत का कलश ले लिए तो पिए नहीं, आपस में लड़ने लगे, मैं पहले पीऊंगा ऐसा कह करके छीना झपटी करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। मानो 16 वर्ष की कोई सुंदर स्त्री हो। अब जब भगवान तो वैसे ही कंदर्प अगणित अमित छब, कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता यदि एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, तब भी भगवान के हजारों अंश पर नहीं पहुंच सकती। भगवान इतने सुंदर, अगर कहीं संसार में सुंदरता दिखाई पड़े तो समझ लो कि उसी परमात्मा के भगवान नारायण की एक किरण यहां पर आई हुई है। भगवान इतने सुंदर। अब जब ऐसे सुंदर भगवान मोहिनी रूप धारण किए, तब कितने सुंदर हुए होंगे। तो भगवान जब प्रकट हुए तो देवता और असुर, यहां ये लिखे हैं, देवता भी मोहित हुए थे। देवता असुर दोनों मोहित हो गए रूप देखकर। लेकिन देवता सामने जा नहीं रहे डर के मारा असुरों के, और असुर आगे आगे पहुंच गए जहां वो मोहिनी
ही जा करके पूछा, कातम कंज पला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसी कस्यासी बद बामोरो मंथंती व मनांसिनहा। कहने लगे कातम तुम कौन हो, हे कमल नैनी तुम कौन हो और यहां आई कहां से हो, जा कहां रही हो तुम। जब इस तरह की बात पूछने लगे तो मोहिनी ने भी पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहां अभी लड़ क्यों रहे थे तुम लोग। तो असुरों ने कहा, बलि ने कहा, हमारा जन्म बड़ा उत्तम कुल में हुआ, हम कश्यप ऋषि के संतान हैं, हम और देवताओं ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, अमृत निकला उसे और पीने के लिए हम लोग लड़ रहे थे। तो वो मोहिनी कहने लगी कि जहां लड़ाई झगड़ा होती है वहां हम रहती नहीं, हमको जाने दो, जल्दी जाने दो यहां से। अब वो बेचा वो सारे के सारे असुर मोहित होते ही कहने लगे, नहीं नहीं तुम हमको छोड़ करके मत जाओ, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, तुम जो कहोगी वही हम करेंगे, लेकिन हमको छोड़ करके मत जाओ। अब भगवान ने सोचा कि इनको और मोहित करे, तो कहने लगे कथम कश्यप दायादा पुंचल्या मई संगता। अरे तुम लोग कश्यप ऋषि के संतान हो, इतने उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और हमारे जैसे घूमने फिरने वाली स्त्री पर विश्वास कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। तुमको घूमने फिरने वाली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब ऐसा कहा तो असुरों को और ज्यादा विश्वास हो गया और कहने लगे कि मैं सच कह रहा हूं, नहीं लड़ाई करेंगे, अगर विश्वास नहीं है तो तुम अमृत का कलश ले लो और हम सबको बांट करके पिला दो, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं और तुम छोड़ के मत जाओ यहां से। तो मोहिनी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो ठीक है, एक लाइन में देवता बैठ जाओ, एक लाइन में असुर बैठ जाओ। देवता एक लाइन में बैठ गए, दूसरे लाइन में असुर बैठ गए, अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के मोहिनी, यहां लिख रहे हैं कि जब वो चलती तो उसके पैरों में पायल बंधी थी, उसमें घुंघरू थी, दिव्य घुंघरू की आवाज से वो सारे के सारे असुर मोहित हो रहे थे। अब कभी इधर आती कभी उधर आती, ऐसे नाचती हुई और अंत में देवताओं को धीरे धीरे अमृत पिलाने लगी। जब कुछ देवताओं को अमृत पिला दिया तब थोड़ा सा होश कुछ असुरों को आया और उन्होंने बलि की तरफ इशारा करके कहा भी कि अरे ये तो केवल देवताओं को पिला रही है, अपनी ओर आती ही नहीं। जब ऐसा कहा तो भगवान, तो कितना भी धीरे बोलोगे भगवान तो सबसे निकट है, सुन ही लेते हैं। भगवान ने असुरों की तरफ तिरछी चितवन से देखा, तिरछी चितवन भावों को टेढ़ी करके तिरछी चितवन से असुरों की ओर देखा और देख करके कहा कुछ नहीं, केवल देखा और देख करके मुस्करा दिए। इतने में असुरों ने अपने से अर्थ लगा लिया, क्या अर्थ लगा लिया कि ऊपर का पानी पानी देवताओं की तरफ जाने दो और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा, अरे भाई तुम अपने हो ना, ये बात उन्होंने अपने से अर्थ लगा लिया। भगवान ने कहा कुछ नहीं, हुआ अपने से ये अर्थ लगा लिए कि ऊपर का पानी पानी देवताओं की ओर जाने दो और नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है ना अपने हैं तो उनको तो फिर विशेष। और देवता चुप हो गए, बोले नहीं। कहते हैं जब देवता चुप है नहीं बोल रहे,
और इधर असुर भी चुप हो गए, बोले नहीं। भगवान ने सारे देवताओं को अमृत पिला दिया। अब देवता लेकिन समझ गए थे कि ये भगवान नारायण ही मोहिनी रूप में है, और उसमें जो राहु था सिंहिका का पुत्र, वह बड़ा चतुर था, वह चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। यद्यप भगवान से भूल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जब पी लिया उसने अमृत, तब चंद्रमा सूर्य ने कहा, अरे प्रभु ये तो असुर है। भगवान ने तुरंत अपने चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत गले से नीचे नहीं जा पाया था, तो गले का नीचे का भाग कबंध तो मर गया, और उसका सिर अमृत पीने के कारण अमर हो गया। लोग प्रायः ये समझते हैं कि गले का नीचे का कबंध केतु है और ऊपर का राहु है सिर, ऐसा नहीं है। सिर राहु है और सिर की जो छाया है वही केतु है, इसीलिए वो छा घर पीछे सदा रहता है। तो इस तरह से भगवान ने जब सिर काट दिया, तब असुरों को पता चला कि अरे ये तो साक्षात नारायण है। अब भयंकर युद्ध समुद्र के तट पर शुरू हो गया, लेकिन अमृत पान कर चुके थे देवता, इधर भगवान नारायण भी साथ में थे, इसलिए उस युद्ध में असुरों की पराजय हुई और राजा बलि मारा गया। कहते हैं जब राजा बलि उस युद्ध में मारा गया, देवता प्रसन्न होकर के स्वर्ग चले गए, उनको स्वर्ग वापस मिल गया। इधर शुक्राचार्य जी आए और आकर के उन्होंने बलि को अमृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया, अब बाकी असुरों को भी जीवित कर दिया। जीवित करके अपने लोग को ले गए और वहां ले जाकर के विश्वजीत नामक एक यज्ञ करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ निकला, सोने का रथ था, उसमें जो ध्वजा लगी हुई थी उस पर सिंह का चिन्ह था, उसी में से धनुष बाण तुड़ीर ये सब उसी में से निकले, और आकाश बाणी हुई कि राजा बलि जब तक तुम इस रथ पर रहोगे तब तक कभी पराजित नहीं हो सकते, कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा। प्रहलाद जी आए, उन्होंने कभी ना कुमलाने वाली एक गले में माला तैयार ली के, शुक्राचार्य जी ने विजय का तिलक लगा दिया और कहा अब फिर से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। बलि ने फिर से स्वर्ग पर चढ़ाई की, इंद्र आदि ने युद्ध किया लेकिन पराजित हुए और स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। कहते हैं जब स्वर्ग छोड़ करके चले गए तो स्वर्ग पर अधिकार राजा बलि का हो गया, लेकिन वो बलि स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद शांत नहीं बैठा, वो नर्मदा के तट पर आया और आकर के उसने 99 अश्वमेध यज्ञ किया। क्यों? वो जानता था कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वही इंद्र बन सकता है, इसलिए 99 अश्वमेध यज्ञ किया। अब जब 100वां अश्वमेध यज्ञ होना तय हुआ तो माता अदिति बहुत दुखी हुई, कश्यप ऋषि के पास गई और कहा पतिदेव हमारे पुत्र बन भटक रहे हैं, कुछ उपाय करो। तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी एक उपाय है बस। कहा क्या? कहा तुम पयोव्रत करो, उससे भगवान का प्राकट्य तुम्हारे यहाँ होगा और वही चाहेंगे तो तुम्हारा तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस दिला पाएंगे। कश्यप ऋषि के कहने पर माता अदिति ने पयोव्रत किया। ये फागुन शुक्ल पक्ष में किया जाता है, द्वादशी तिथि से इसका प्रारंभ होता है।
कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्तम व्रत है। ये जंगली सुअर होते हैं ना, ये जहाँ मिट्टी खोदते हैं उस मिट्टी से स्नान प्रतिदिन किया जाता है, वो बड़ी पवित्र मिट्टी मानी जाती है। माता अदिति ने व्रत किया, समय आया तो माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। भादव शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के 12 बजे श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त के समय जब सारे नक्षत्र तारागण अनुकूल हो गए तो उस समय भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलो वामन भगवान की। Yeah.
कश्यप ऋषि ने सोचा कि सारे ऋषि देवता उपस्थित हैं, क्यों ना अपने पुत्र का हम जनेऊ संस्कार कर दें। ऐसा विचार करके जनेऊ संस्कार किया गया वामन भगवान का। कहते हैं स्वयं सूर्य देव ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया, बृहस्पति ने, देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्म सूत्र दिया, कश्यप ऋषि ने मेखला कमर में बांध दी, भूमि ने काले मृग का चर्म दिया, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने पलाश का दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन लंगोटी पहना दी, देवु ने छत्र दिया, छाता दिया, स्वयं ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया और सप्तऋषियों ने कुश दिया, माता सरस्वती ने एक रुद्राक्ष की माला प्रदान किया। और कहते हैं जब भिक्षा मांगने के लिए आगे बढ़े तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने, उमा ने उनको भिक्षा दिया। इस तरह से वामन भगवान का दिव्य यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद वो वहां से राजा बलि के यज्ञ में चल पड़े। यह यज्ञ नर्मदा के तट पर हो रहा था, जिसको आज भरूच कहते हैं, भृगुकच्छ, यही भरूच के पास में यह यज्ञशाला थी। वामन भगवान वहां पहुंचे, यज्ञशाला से जब थोड़े दूर थे उसी समय राजा बलि ने वामन भगवान को आते हुए देख लिया। भगवान का दिव्य तेज दिखाई दे रहा था, राजा बलि यज्ञशाला से उठ के जाना चाहा तो शुक्राचार्य जी ने रोका, रुको रुको, तुम दीक्षित हो, वर्णित हो, यहाँ तुम यज्ञशाला छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन बलि नहीं माना, भगवान के उस दिव्य तेज को देख करके, उस आकर्षण को देख करके राजा बलि अपने आप को रोक नहीं पाया। गुरुदेव के मना करने पर भी वामन भगवान के पास वो पहुंच गया और पहले जाके दोनों हाथ जोड़ा और कहने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षान मन्ने त्वार्य बपुर धरम। कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। ऐसा देखने में लग रहा है कि आप तो मानो सारे ब्रह्मर्षियों का तप इकट्ठा होकर के शरीर धारण कर लिया है और वही आप जो है आ रहे हैं, अर्थात आप कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ रहे। ऐसा लगता है कि महर्षियों का तप ही शरीर धारण करके आ रहा है। उसके बाद चरणों में गिर पड़ा, अपने आप को रोक नहीं पाया, चरणों में गिर गया और गिर करके वामन भगवान के चरण धूलि को बार बार अपने सिर पर, मस्तक पर और सिर पर रगड़ने लगा, धारण करने लगा और कहने लगा, अद्य न पितरा तृप्ता अद्य न पावितम कुलम और अद्य सुष्टा क्रतुरयम यद भवान आगत हो गृहान। कहने लगा कि आज हमारे पितर तृप्त हो गए। देखो 99 अश्वमेध यज्ञ किया तब नहीं कहा कि हमारे पितर तृप्त हो गए, 99 अश्वमेध यज्ञ किया तब नहीं कहा कि आज हमारा कुल पवित्र हो गया। लेकिन आज जब भगवान वामन भगवान पधार गए तो कहने लगा कि हमारे पितर तृप्त हो गए और हमारा कुल आज पवित्र हो गया। आज हमको सारे यज्ञों का फल मिल गया। क्या हुआ? कह रहा है आज हमको सारे यज्ञों का फल मिल गया। यद्यपि अभी वो नहीं जान रहा है कि ये भगवान है, लेकिन भगवान के दिव्य तेज को देख करके वो ये बात कहने लगा।
यह बात हम कई बार कहते हैं, सबकर फल खग नाहक एहा अभजी राम पद पंकज नेहा। आप जो जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, दान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ये सब का केवल एक फल है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, केवल यही इसका फल है। अगर प्रेम नहीं हुआ तो आपके जप तप दान का कोई मानो आपको फल मिला ही नहीं। तो कहने लगा, आज हमारा हमको सारे व्रतों का, उपवास का, यज्ञ का फल मिल गया। आप जैसा तेजस्वी हमारे यज्ञ में पधार गए, मैं धन्य हो गया। उसके बाद वामन भगवान के चरणों को धोला, चरणोदक लिया, सिर पर धारण किया, आकाश में सारे देवता कप गए। क्यों? कहा, वामन भगवान के ही चरण की धोवन गंगा जी, जो भयंकर से भयंकर पापी को भी मुक्त कर देती, और आज वही चरण को धोकर के बलि पी रहा है। इसमें वो सामर्थ्य है कि बलि की जितनी भी पीड़ी होगी क्षण मात्र में तर जाएगी। और उसके बाद जो है उसने हाथ जोड़ करके वामन भगवान से कहा, क्या कहा? यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्ष में तमर्थिनम विप्रसुतानुतर कहे। कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? जो इच्छा वो मांग लो। कुछ गायें दे दें, सोना रत्न दे दें, कुछ गांव दे दें आपको, अथवा किसी सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह करवा दें। क्या चाहते हो? जो चाहो कह दो, हम वही कर सेवा कर देंगे आपकी। जब इस तरह से कहा तब भगवान मुस्कराए, और मुस्करा करके ऐसा बोले जिससे कि उसको उत्साह और बढ़ जाए। भगवान ने कहा, बलि, तुम जो ये बात कह रहे हो अपने कुल के अनुसार ही कह रहे हो। तुम कहा तुम्हारे प्रपितामह हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए, जिनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा था, नारायण को अवतार लेना पड़ा था, इतने वीर थे वो, इंद्रादि उनसे कपते थे। कहा तुम्हारे पितामह प्रहलाद का नाम कौन नहीं जानता इस पृथ्वी पर? बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी भी उनका नाम लेकर के अपने आप को पवित्रता का अनुभव करते हैं। ऐसे तुम्हारे पितामह थे प्रहलाद जी, तुम्हारे पिता विरोचन इतने बड़े दानी थे कि इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके गया उनके पास। जैसे ही विरोचन ने इंद्र को देखा, विरोचन पहचान गए। कहा विरोचन ने कहा, तुम ब्राह्मण नहीं हो। कहा तुम इंद्र हो, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आए हो, इसलिए हम वापस नहीं जाने देंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, दे देंगे। यह जान करके भी कि यह ब्राह्मण नहीं है, इंद्र है, छल करने आया है, फिर भी विरोचन ने कहा जो चाहो मांग लो। तो विरोचन ने कहा हम आपका तब इंद्र ने कहा हम आपका जीवन चाहते। विरोचन ने एक क्षण में अपना सिर काट करके और दे दिया। कहा तुम उनके पुत्र हो, तो अगर यह बात कह रहे हो तो कुल के अनुसार ही कह रहे हो। इतना सुनते तो बलि और फूल गया, अपने पूर्वजों का बड़ाई सुन के बड़ा गदगद हो गया, और कहा ब्राह्मण देवता, आप तो शीघ्र ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
भगवान ने कहा हम तो मांगने के लिए आए हैं तीन पग भूमि। तो हंस करके कहा तुम बात तो ऐसा करते हो जैसे बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन हो तुम बालक, अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है आपको। अरे तुम राजा बलि के पास आए थे जिसका तीनों लोक में अधिकार है, तुम तो ऐसा मांगते कि कभी फिर मांगना नहीं पड़ता, तुम तो एक लोक मांग लो तो हम दे देंगे। अब तीन पग भूमि, भगवान ने कहा हम तीन पग भूमि से ज्यादा नहीं लेंगे, अगर तीन पग भूमि से संतुष्टि नहीं होगी तो तीनों लोकों से भी संतुष्टि होने वाली नहीं। ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। तो बलि हंस करके कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा। भगवान हंस करके कहा कि लेकिन हम अपने पग से नाद के लेंगे। बलि ने कहा कि ठीक है, वो तो हंस रहा था कि ये बालक है। कहा ठीक है जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां नाप लेना। अच्छा तो नाप लो, अभी नाप लो, जहां तुम्हारी इच्छा हो ले लो जगह। तो भगवान ने कहा पहले तुम संकल्प कर दो नहीं बदल जाओगे। अब वो बलि और हंसने लगा कि तीन पग भूमि के लिए हम बदल जाएंगे। तब तक उसकी पत्नी विंध्यावली जो है हाथ में कमंडलू लेकर के आई और जल देने लगी बलि को संकल्प के लिए। हालांकि यह बात भागवत में नहीं लिखा है, दूसरे पुराणों में लिखा है कि शुक्राचार्य जी ने मना किया। क्यों? जैसे ही बलि हाथ में जल लेने के लिए हाथ किया वैसे ही आकाशवाणी हो गई, देवता बड़े प्रसन्न हो गए और बोल पड़े इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम। कहा ये तो साक्षात विष्णु हैं, भगवान नारायण हैं, अभी देखना तीन पग में ही सब कुछ ले लेंगे इसका। आकाशवाणी सुनते शुक्राचार्य जी यज्ञशाला छोड़ के वहां पहुंच गए, बलि का हाथ पकड़ लिया। बस बस शिष्य एक क्षण रुको, ये साक्षात नारायण है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बदल जाओ तुम, छूट बोल दो कि हम नहीं देंगे। जब बलि ने कहा झूठ, बलि से कहा झूठ बोल जाओ, तो बलि ने कहा गुरुदेव ना हम विवेम निर्या ना धन्याद आसुखाणवात। कहा हमारा संपूर्ण राज्य चला जाएगा, उसका हमको उतना दुख नहीं होगा जितना दुख हमको ब्राह्मण को कहने के बाद यदि नहीं देंगे तब होगा। कहा हमारे कुल में कलंक लग जाएगा, ऐसे गुरुदेव मत कहो। शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये नहीं मान रहा है, तो कहते हैं वह जो टोटी थी उसमें जाकर के बैठ गए कि जब जल गिरेगा नहीं तो ये संकल्प कैसे करेगा। अब विंध्यावली जल डालने का प्रयास करे और टोटी से जल गिरे नहीं, तो अंत में भगवान ने कहा लाओ लाओ हम बता रहा हूं कैसे जल गिरेगा। एक कुश निकाला और कुश टोटी में डाला, तो शुक्राचार्य जी के एक आंख चली। शुक्राचार्य जी बाहर निकले उस टोटी से और श्राप दे दिया। कहते हैं शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया कि अरे तुम हमारी बात को नहीं मान रहे, जाओ मैं श्राप देता हूं शीघ्र ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाएगा, तुम्हारा ये राज्य चला जाएगा। अक्रोध में ऐसा कह के शुक्राचार्य चले गए। उसके बाद विंध्यावली ने हाथ में जल लिया और संकल्प कर दिया तीन पग भूमि का। संकल्प होते ही भगवान ने कहा अब तुम जो है बताओ हम कहां नापे। कहा जहां इच्छा हो वहां से नाप लो। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप धारण करके यहां तो एक बात लिखी है कि राजा बलि का राज स्वर्ग तक ही था, पाताल लोक में था, पृथ्वी लोक पर और स्वर्ग में। लेकिन जब भगवान वामन ने नापा
तो कहते हैं सत्य लोक तक भगवान का चरण पहुंच गया था। कहां तक? सत्य लोक तक पहुंच गया था। सत्य लोक के ब्रह्मांड का जो आवरण है उसको भी भगवान के अंगूठे के नख ने फाड़ दिया था, ऐसा लिखा है। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के चरण को देख करके कमंडलू से जल निकाला और धो करके अपने कमंडलू में रख लिया। यही बाद में गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुई। तो दो पग में सब कुछ नाप लिया, उसका पूरा राज्य। अब बलि से कहा तीसरा पग कहां नापे बता दो। अब बेचारा क्या कहे, संपूर्ण राज्य तो चला गया था। वो जब चुप हो गया तब भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया। अब बुला करके कहा कि इसे बांध दो, वरुण पास में बांधो। भगवान के पार्षदों ने बांध दिया वरुण पास में। उसके बाद भगवान ने उसको बहुत डांटा फटकारा भी। क्या कहा? कहा अरे बलि, तुम ब्राह्मण को कह करके और दे नहीं रहे हो, तुम नरक चले जाओगे, तुमको हम दंड देंगे।